सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। छब्बीसवें ओवर के दौरान जब धावक कोहली हुए रोहित की गलती से रन आउट, जिसके बाद ड्रेसिंग रूम में जाकर कुछ ऐसे निकाला अपना गुस्सा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 6 वनडे मैचों की सीरीज का 5वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला आज यानी 13 फरवरी को खेला जा रहा है। हो रहे इस रोमांचक मुकाबले में एक वक्त ऐसे देखने को मिला जब टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए एक मजबूत स्थिति की ओर पहुंच रही थी। इसी बीच टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने उस वक्त एक बड़ी गलती कर दी जब उन्होंने रन लेने के लिए क्रीज के बीच दौड़ लगा दी थी। 26वें ओवर के दौरान जब विराट कोहली रोहित संग क्रीज के बीच दौड़ लगा रहे थे, इसी दौरान रोहित शर्मा के साथ दौड़ते हुए वे अचानक कन्फ्यूज हो गए और रोहित शर्मा के मना करने के बावजूद वे रन के लिए दौड़ लगा दी। ऐसे में मौके की नजाकत को समझते हुए डुमिनी ने रन आउट कर दिया। इसके बाद जब वे आउट होकर पवेलियन की ओर रुख किया तो इसी बीच अचानक ड्रेसिंग रूम में पहुंचन कार कुछ चीजें गुस्से में फेंक दी, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें।